तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वाला जो वीपीएन है, सम वीपीएन ऐप यहाँ पर $16 में है। फ्रेंड्स इस वीपीएन को मैं आप लोगों को कैसे इसको सेटअप करना है कंप्लीट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो सर्वर है फ्रेंड्स, अच्छा सर्वर है, ये वर्क भी अच्छा करता है। इसके अंदर आप फेसबुक और एडमुप दोनों की ऐड लगा सकते हैं। तो कैसे लगाना है कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में सेटअप करके दिखाऊंगा, तो आप जो है इस वीडियो कंप्लीट देखिए, ठीक है। फ्रेंड्स आप चाहो तो यहाँ से परचेस भी कर सकते हो, वैसे मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर ये वाली एप्लीकेशन आपको बनवानी है या फिर सोर्स कोड चाहिए, दोनों तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए कैसे एडिट करना है कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। तो फ्रेंड्स मेरा नाम अरविंद है और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो फ्रेंड देर न करते हुए चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम अपने लैपटॉप में ओपन किए हैं एंड्रॉयड स्टूडियो को, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट भी ओपन है वीपीएन का, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स जब देखेंगे आप एंड्रॉयड में जब आएंगे आप, तो यहाँ पर ऐप पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जावा फाइल पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैकेज नेम जो है फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए सेटिंग ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर कॉम्पैक्ट मीडियल पैकेज पर आपको क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो पैकेज नेम आपका पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेकंड वाले पे क्लिक करेंगे, तो क्योंकि हमें इसका जो पैकेज नेम वो चेंज करना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्लिक किया राइट क्लिक, इसके बाद यहाँ पर हम नीचे आएंगे रिफ्लेक्टर में, इसके बाद यहाँ पर रीनेम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो भी नाम यानी रखना है, पैकेज नेम जो भी रखना है आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सिर्फ ई लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोनों पर टिक कर देता हूँ और यहाँ से फिर रिफ्लेक्टर पर क्लिक कर देता हूँ। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखिए डू रिफ्लेक्टर लिखा हुआ है, जिसके ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड इस तरीके से जो है आप पैकेज नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है प्रोटेक्ट ई आप यहाँ पर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से फ्रेंड जैसे आपने ये वाला चेंज किया, इसी तरीके से नीचे जो फ्री वीपीएन वाला है उसे भी आप चेंज कर सकते हो, सेम प्रोसेस है। तो चलिए हमने जो चेंज किया था उसके ऊपर वापस क्लिक करते हैं और यहाँ पर फ्रेंड्स हम जाते हैं रिफ्लेक्टर पे और रीनेम कर देते हैं, हमने जो ई बनाया था लिखा था यानी उसे हम रिमूव कर देते हैं, जैसा सेम पैकेज नेम था वैसे मैं वापस कर देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है, तो इसी तरीके से बाद में आपको डू रिफ्लेक्टर पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये जैसा था वापस वैसा हो जाएगा। आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और उसके आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताता हूँ। तो अभी फ्रेंड्स हम आते हैं नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए जो RES की फाइल है फ्रेंड्स उसके ऊपर हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए इसके हम क्लिक कर देते हैं, ये देखिए जो फाइल है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स हम यहाँ पर देख सकते हैं वैल्यूज़ में आएंगे और यहाँ पर देखिए आप कलर का भी ऑप्शन दे रहा है, आपको कलर आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग पे आएंगे हम, तो यहाँ से फ्रेंड्स आप जो VPN का आपके जो भी नेम है आप यहाँ पर VPN नेम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रोटेक्ट VPN लिखा हुआ है तो आप इसे रिमूव करके आप अपने VPN का नाम यहाँ पर दे दीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, आपको प्राइवेसी पॉलिसी लिंक बनानी पड़ेगी और उस लिंक को यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपको प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक बनाने नहीं आता तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप सीख सकते हैं किस तरीके से बनाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो भी आप सब्सक्रिप्शन के लिए जितना अमाउंट रखेंगे यहाँ पर देखिए शो करेगा आपके एप्लीकेशन में, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं आप कितना 1 मंथ का कितना रखना चाहते हैं, 2 मंथ, 3 मंथ का, 6 मंथ का और ईयर का कितना आप रखना चाहते हो आप यहाँ पर सेट करेंगे, जो सिर्फ डिस्प्ले होगा, ठीक है। बाद में आपको कंसोल में सेटिंग करना पड़ेगा, तो डिस्प्ले के लिए आप यहाँ पर सेट कर दीजिए कितना आप लेना चाहते हैं अर्निंग, ठीक है। फिर नीचे आते हैं फ्रेंड्स हम, यहाँ पर फ्रेंड नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है फेसबुक के और एडमोब के ऐड लगा सकते हैं। देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, एडमोब की भी ऐड लगा सकते हैं और फेसबुक की भी लगा सकते हैं, बस आपको वहाँ से जो है ऐप आईडी और यूनिट आईडी आपको कॉपी करनी है और यहाँ पर ऐड कर देनी है फ्रेंड्स। बहुत ही आसान है इसे ऐड करना, आप सिंपल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता भी दिया कि आपको ऐड कैसे लगाना है, ये सब भी आप यहाँ पर देख लीजिए। अभी चलिए आगे का स्टेप आप लोगों को दिखाता हूँ। अगर फ्रेंड्स आप इस एप्लीकेशन का कलर चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर कलर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कलर आपको दिखाई देते हैं अलग अलग जगह के, तो ठीक है यहाँ पर आप जो है कलर अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो कि कौन से कलर आपको रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर मीप मैप में आकर फ्रेंड्स आप अपने
जो है ऐप का लॉगो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आईसी लॉन्चर है, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को और एक अच्छा तरीका बताऊंगा जिससे आप इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं और लॉगो भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए फ्रेंड ड्रॉप डाउन पर आपको क्लिक कर देना है और नीचे फ्रेंड्स आई एम के तो शो एक्सप्लोर पर आपको क्लिक कर देना है। इससे फ्रेंड जितनी भी इसके अंदर फाइल्स है ना इमेज वाली आपको इस तरीके से शो करेंगे। तो इसमें जाकर फ्रेंड्स आप आसानी से लॉगो भी चेंज कर सकते हो और जो भी ज़रूरत के इमेजेस वगैरह आपको इसमें दिखाई देते हैं वो यहाँ पर शो करेंगे, उसमें से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो लॉगो है, तो आप अपना लॉगो जो है पीएनजी में कन्वर्ट करके यहाँ पर बस सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करना है फ्रेंड्स, बस हो जाएगा, ठीक है। जो इसमें फाइल है आपको वही करनी। इसी तरीके से सेकेंड वाले पर भी क्लिक करके आप जो भी इमेजेस आप इसको चेंज करना चाहते हैं सिर्फ कॉपी पेस्ट वैसा इमेज बनाकर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। और जो रीनेम है फ्रेंड्स रीनेम आप कर दीजिएगा। ये रहा कंप्लीट कि कैसे आप लॉगो और इसके अंदर की इमेजेस चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये भी कंप्लीट मैं आप लोगों को बता दिया। अभी चलता हूँ मैं आप लोगों को दूसरे ऑप्शन पे। अभी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप गूगल का जो फायरबेस का जॉनसन फाइल होता है फ्रेंड्स उसे कैसे इसमें ऐड करते हैं वो आप लोगों को मैं बताता हूँ। उसके लिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर जब एंड्रॉइड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्ट पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐप है, देखिए लिखा हुआ ऐप पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल जो है कि जॉनसन फाइल आपको यहाँ पर जो है ऐड करनी पड़ेगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी जो कोडिंग है कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। आप चाहो तो यहाँ पर जो है इसे रिप्लेस कर सकते हो, यानी कि पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और आप चाहो तो यहाँ पर जो कॉपी है अपना कोड भी इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं लेके चलता हूँ आप लोगों को अपने फाइल पे। यहाँ पर जैसे जॉनसन फाइल है फ्रेंड्स इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स आपके पास नोटपैड प्लस प्लस होना चाहिए, ठीक है। जब इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखिए एडिट नोटपैड पर जब मैं क्लिक करके इसे ओपन करूँ तो सारे कोड जो फ्रेंड्स मुझे एंड्रॉयड स्टूडियो की तरह ही दिखाई देंगे, ठीक है, इसी तरह से दिखाई देंगे। तो वहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर सीधा इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो, इसे डिलीट करके इसके अंदर पेस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, इतना तो सबको आता ही है। चलिए फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे आप एंड्रॉइड वर्जन चेंज करोगे। उसके लिए यहाँ पर बिल्ड गिल्ड में आप आएंगे ऐप में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना जो है जो वर्जन है आपका उसे आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स वर्जन कोड है और वर्जन नेम है फ्रेंड, तो आप यहाँ से फ्रेंड्स आप चेंज कर सकते हो। इस टाइम पर 1.1 है तो आप 2 रख दीजिए, 3 रख दीजिए, जैसा आपको करना है कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से आप वर्जन जो नेम है फ्रेंड्स वहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप अपना वन सिग्नल का जो ऐप आईडी है वो यहाँ पर डाल दीजिए, वो पुश नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए काम आती है। वन सिग्नल नोटिफिकेशन के जो आईडी होती है फ्रेंड्स कैसे क्रिएट करना है ये आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देखकर सीख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए कैरियर आईडी वगैरह है फ्रेंड्स, आप चाहो तो यहाँ पर अपना खुद का डाल सकते हो, बट रहने दीजिए अभी भी ये काम करता है, चाहो तो आप खुद का भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप वर्जन कोड और इसमें कुछ एडिट करेंगे उसके बाद यहाँ पर सिंक ऑप्शन आ जाएगा, आप सिंक कर लीजिएगा। तो चलिए अभी आगे के स्टेप पर चलते हैं हम। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप इसका लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो लेआउट का ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ से फ्रेंड पूरा लेआउट आपका दिया हुआ है, किसी पे भी क्लिक करके फ्रेंड्स आप उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पर क्लिक किया था तो किस तरीके से इसका सामने आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा है लेआउट का, आप इसी में से बटन वगैरह कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं या फिर आपको कोई दूसरा लेआउट चेंज करना तो आप नीचे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जब सर्कल लेके जाएंगे माउस का तो यहाँ पर जो है पूरा लेआउट आपको दिखाई देगा। यहाँ से आप कलर वगैरह चूज़ कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लेआउट आपको दिख ही रहे होंगे, आप किसी भी क्लिक करके ये सब जो है कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करोगे तो सामने देखिए छोटा होगा और यहाँ पर उसके कोड भी देखें, इन कोड को भी आप जो है एडिट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप जो है कस्टमाइज कर सकते हो। अभी चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसके बिना आपका जो एप्लीकेशन है फ्रेंड्स उसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन रहता है वो नहीं हो पाएगा। तो आप ध्यान से दीजिए कैसे क्या करना है। तो फ्रेंड्स आपके पैकेज नेम पे जाना है, वहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर जो कन्फर्म है फ्रेंड्स इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि IAP लाइसेंस की फ्रेंड्स आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। वो फ्रेंड्स आपको आप जब आप प्ले कंसोल में जाएंगे जब ऐप क्रिएट करेंगे तो फ्रेंड्स नीचे आएंगे मोनेटाइजेशन के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये जो की का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर आप वहाँ पर आप देखेंगे कि ये वहाँ पर एक की रहेगा तो वहाँ से आप कॉपी करके ये जो ग्रीन दिया हो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको रिमूव करके आप यहाँ पर डाल दीजिए, पेस्ट कर दीजिए, तो आप यहाँ पर लाइसेंस की ऐड कर सकते हैं जिससे कि आपका जो है बिलिंग हो पाए। इसके बाद फ्रेंड्स आप जब यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा आईडी, ठीक है फ्रेंड। देखिए जैसे 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 1 ईयर का रहता है ना फ्रेंड्स,
तो यहाँ पर ही है, यही आईडी आपको क्रिएट करके आपके कंसोल में क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आप जो यहाँ पर क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने प्रोटेक्ट वीपीएन का ही नाम लिखा है, आप यहाँ पर जो मन चाहे वो यहाँ पर लिख सकते हैं। लिखने के बाद बेटर से या फिर नंबर डाल दीजिए, जो भी नंबर डालने हैं सेम टू सेम फ्रेंड देख लीजिएगा ध्यान से, जो पहले मंथ का है उसे 6 मंथ का सब यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए और सेम जाकर आपको प्ले कंसोल में जाकर ऐड कर देना, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियोज़ बना के रखी है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी कैसे आप सब्सक्रिप्शन को जो है सेटअप कर सकते हो, तो आप उसे देख लेंगे तो आपको पूरी तरीके से वीडियो समझ में आ जाएगी। नीचे देख सकते हैं कि आपको जो सब्सक्रिप्शन करवाना है कि नहीं, यहाँ पर देखिए फॉल्ट से यानी एक्टिव है सब्सक्रिप्शन। अगर आपको नहीं चाहिए सब्सक्रिप्शन तो यहाँ से आप ट्रू करके जो है आप सब्सक्रिप्शन हटा सकते हैं, ऐप में सब्सक्रिप्शन नहीं रहेगा, लेकिन मैं रहने देता हूँ, मुझे सब्सक्रिप्शन चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक हमारा जो है वीडियोज़ कम्प्लीट हो चुका है, अभी हम बिल्ड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्रेंड्स आप रिलीज़ जब करेंगे एपीके को, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपनी एपीके को रिलीज़ कर सकते हैं। और अभी यहाँ से फ्रेंड्स आप एंड्रॉयड ऐप बंडल सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ भी एपीके, तो मैं एपीके क्लिक करके यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर फ्रेंड आप की का पास सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर नीचे पासवर्ड आप अपने मन से चूज़ कर लीजिए, फिर वहाँ पर कन्फर्म पासवर्ड कर लीजिए कन्फर्म, और यहाँ पर एलिस की जो नीचे आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। और ये सब फ्रेंड्स आप जो है ध्यान से कहीं पे लिख कर रख लीजिएगा, दोबारा जब आप रिलीज एपीके करेंगे तो लगेगा, ठीक है। यहाँ पर नेम वगैरह डाल के आप ओके कर लीजिए, ठीक है। ओके करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो यहाँ से हम फिर वापस नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप डूबक चाहिए या फिर रिलीज़ एपीके चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए, तो हमेशा प्ले स्टोर पर डालने के लिए रिलीज़ एपीके चाहिए, तो यहाँ पर दोनों टिक करके आप फिनिश पर क्लिक कर देंगे तो आपका जो एपीके फ्रेंड्स वो जनरेट होना चालू हो जाएगा और थोड़ी देर में आपको एपीके मिल जाएगा, ठीक है, उससे आप प्ले स्टोर पर डाल सकते हैं। तो ये रही फ्रेंड्स ये इन्फॉर्मेशन कि आप ये वाला वीपीएन को किस तरीके से जो है कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो मेरी छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, और हाँ वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख पाओ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं।